नमस्कार, स्वागत है आपका हाउ इंडी में। मैं आपके साथ अमित कुमार तिवारी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। देश के कई राज्य आज इस महामारी से संक्रमण में आ चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में इस महामारी से 158 लोग ग्रसित हो चुके हैं। राज्य में प्रशासन ने 25 गांवों को रेड जोन घोषित किया था, जिसके बाद हर तरह की मूवमेंट पर रोक लगा दी गई थी। आइए आपको ले चलते हैं जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता हनी पटियाल बता रहे हैं लॉकडाउन में वहां के एक गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाउ इंडी और इस समय हम आपको जम्मू के आउटस्कर्ट एक विलेज है चट्टापिंड, वहाँ लेके आए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है और फिलहाल भारत की बात करें तो 5,734 यहाँ कन्फर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस की और लगभग 166 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों में जो है इसको लेकर डर है, खौफ है और सरकार ने पूरे कई इलाकों को यहाँ पर रेड जोन बनाया हुआ है। लोग अब खुद कोरोना वायरस को देखते हुए अपने इलाके की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और बिल्कुल ये एक एरिया है जम्मू एयरपोर्ट से सटा हुआ और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ महिलाएं हाथ में उन्होंने डंडे लिए हैं और वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि इस समय आप बाहर ना निकलें, बाहर सड़कों पे ना आएं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि लोकल लोग जो हैं, इलाके के लोग, वो ये चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो अंदर ना आए और यहाँ पे जो है इन्फेक्शन ना फैलाए। उसको देखते हुए ये सुबह से लेकर शाम तक इस तरह ही पूरे अपने गांव के जो शुरुआती एरिया है वहाँ पर वायरिंग करके डंडे लेकर ये खड़े होते हैं और इनमें सभी जो हैं महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी इनके साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये इनके दिमाग में कैसी आई बात, क्या कहते हैं ये लोग। जी, आपका नाम? मैं गुरमीत कौर, फॉर्मर सरपंच चट्टान, सोशल एक्टिविस्ट। गुरमीत जी, कैसे मन में आया कि इस तरह से अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 से इफेक्टेड है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मेरे दिमाग में ये मैसेज आया कि हमें लोगों को अवेयर करना है। नो डाउट कि लोग अवेयर हैं, बट फिर भी एक पर्सनल ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लेडीज़ इस चीज़ के लिए कॉपरेट कर रही हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए कॉपरेट कर रहा है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस फाइट को जीतने के लिए हमें स्टे एट होम, टेक प्रिकॉशंस, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, सैनिटाइज योर हैंड्स और जितना भी हो सकता है हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। बिकॉज अगर इस जंग को जीतना है तो जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, लोगों से दूरियाँ नहीं बनाएंगे तो हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। जी माता जी, आपका नाम? हरजीत कौर। आपके कैसे ये आया मन में कि इस तरह से हमने अपने इलाके को है वो बचाना है कोरोना वायरस के समय? देखो, असी पहले तो असी मीडिया वाले दे इन्हों का शुक्र गुजार करते हैं कि टाइम टाइम पर सानू हर चीज़ समझाते रहते हैं। अज कितनी मौतें हो गई, अज कितने पॉजिटिव मरीज़ आए, अज कितना कुछ होया, इस करके साडे दिल विच ये गल आई कि असी भी कुछ करिए। ठीक है, पुलिस फोर्स सब साढ़े वास्ते बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक एक घर में जाके तो नहीं वो सानू अवेयर करेंगे, वह कितने महल भी जाएंगे या कि किसी पिंड जाएंगे। इसलिए असी भी सोचा कि असी भी कुछ करिए। जे असी यह गल ये सोच के बैठ जाएंगे कि कोरोना ना असी मर जाएंगे तो फिर तो गल नहीं चलेगी। असी यह गल सोच के कि असी ये जंग लड़नी है, इदा मुकाबला करना है, डट के मुकाबला करना, लोगों को दसना कि किस चीज़ नाल ये ज़्यादा फैलती है, तुसी किस तरह करो। असी उन्होंने टाइम टाइम तो उन्होंने दसते रहते हैं कि तुसी दिन में कितने बार हाथ धोवो, कितने बार सैनिटाइज करो, तो बाकी किसी दे इकट्ठ करके नहीं खड़े होना है। तो थोड़ा साढ़े असी पिंड विच आ, पिंड विच लोगों ने जानवर वगैरह रखे दे, उन्होंने घास की भी उन्होंने चिंता होंगी है, लेकिन वो एक एक करके अपने अपने खेत भी चले जाते हैं, कोई इकट्ठे नहीं होंगे। इस वास्ते उन्होंने फिर शाम को असी 4 बजे तक इतने करते हैं, 4 बजे तक फिर उन्होंने थोड़ी छूट मिलती है तो वह अपने डंगरों का घा भी बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ जी, साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी बात रखी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव से अंदर बाहर जाते हैं और माल मवेशी के लिए भी लोग जाते हैं, तो लोग यही ख्याल रख रहे हैं कि पूरे अपने एरिया को जो है वो बाहरी लोगों से बचाए रखें। और उसको देखते हुए अब इन्होंने ये मुहिम शुरू की है कि इस तरह से कंटीले तार लगा के और खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में मलाएँ हाथ में डंडे लेकर अपने एरिया जो कि चट्टापिंड है, जम्मू का रूरल एरिया है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा जम्मू की इस महिलाओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने हाथ में डंडा ले रखा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो वो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपने अपने घरों में रहकर जिम्मेदारी को निभाइए। नमस्कार।